फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आ गए हैं छत पे। बज रहा है शाम के 7 और ये हमारी वीडियो है और ये बादल है। गर्मी से राहत मिली, कितना मजा आ रहा है। काला काला बादल है। कहाँ टेडी बियर गिर गया वीडियो का, क्या उठाओ कर टेडी बियर, मजा आ गया देख के। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, आज आंधी पानी आया है। और ये हमारी वीरू की महारानी जय, गोरा गोरा दिखा पाद दिया, भाग गया पाद के। अरे यार ऊपर चढ़ जा, भाग कर हमारी मम्मा, आंख में धूल पड़ गया, धूले धूल पड़ गया पूरा एकदम ना वीरू। अरे पास लाओ थोड़ा सा, अरे लो थोड़ा सा, पूरा सा ले लो, जहाँ भैया बड़ी गर्म लड़की है, बहुत गर्म मिजाज है इसका, एक ही बार चिल्लाने लगती है। अरे मुझे गोदी दो। नहीं लेंगे, तुम सीढ़ी पे चढ़ो, तुम सीढ़ी पे चढ़ो, आओ 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 आओ, ये दुष्ट अखिये में धूल पड़ता। हाँ उड़ाओ 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 ना भाई, अरे उड़ाओ ना भाई, गोदी लिए है ऐसे कौन सा आज उड़ाता है जी, हाय राम, ऐसे कौन सा आज उड़ाता है। मोई पा गया, क्या हवा है, मोई पा गया, अच्छा है ना, अंदर आ रहा है वापिस बार बार। मुझे उतारो पहले, आंख में धूल धूल हो गया, मुझे ना फंस गया। थोड़ा सा बचा था सूजी, तो मैंने सोचा कि गुजिया बना दें मम्मा, और थोड़ा सा बच गया था मैदा, आटा मिला के बना दिए हैं। बीरू का नमकीन, उसको वो नमकीन पसंद है, इसको ये गुजिया पसंद है। कैसे डिजाइन का बना है फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक गुजिया है ये। बचपन में कितना खा चुका, बहुत खा चुके हो, खाओ ना, अरे खाओ ना, जो खाना है खाओ। आप खा के देखेंगे इसके साथ, हम नहीं खाएंगे। अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, अरे तुम खाओ, अरे आप खाओ, अरे तुम खाओ, अरे आप खाओ, आओ 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 खाओ ना, आओ खाओ, वाओ आओ 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 वाओ वाओ वाओ। फ्रेंड्स ये देखिए मोही का टेस्ट, मोही ने क्या किया है, गुजिया में मैगी मसाला डाला है। ये कैसे कैसे महान लोग हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में भैया, कैसे तेजस्वी, कितने तेजस्वी लोग हैं। गुजिया और मैगी मसाला, क्या बात है, कितने तेजस्वी लोग हैं। लिट्टी का स्वाद, लिट्टी भगवान, लिट्टी का स्वाद, ये लिट्टी का स्वाद लग रहा है अभी, तुमको कैसा लग रहा है। जय माता दी फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मूवी वीरू ब्लॉग में। हस्बैंड पूरी तरह से ठीक हैं, आराम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं अभी। मैं बज रहा है 6:30, मूवी को जगाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, उसको स्कूल भेजूंगी। आज है मंडे 15 अप्रैल और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा नहीं चल रही है, एकदम गर्म है एटमॉस्फेयर। और फिर डैडी के लिए भी खाना बनाऊंगी, सब्जी रोटी, नमक सब्जी रोटी, और बीरू को भी खाना खिला के तब लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। पहले नमक सब्जी छोंक देंगे, उसके बाद तब मोही के लिए रोटी बनाएंगे। मोही कह रहा है आम रोटी लेके जाएंगे, मैंने कहा ठीक है आम रोटी ले लो, सीजन आ गया है आम का, आम भी मीठा मिल जा रहा है, हापुस आम मिल रहा है मीठा मीठा, केसर मिल रहा है। रात को गुजिया छाने से थोड़ा सा बचा था सूजी, फ्रिज में रखे थे 2 दिन से, और कल फुर्सत मिली आपको तो 4-5 गुजिया बनाई, ज़्यादा नहीं, वही बना के रख दी, तभी का तेल है
ये सरसों का तेल है, इसी में बनाएंगे नेनुआ की सब्जी। मोही उठ रहा है, मोही उठ जा बेटा, स्कूल जाना है, आजा मुंह धो ले, ब्रश कर ले, सुसु पोटी कर ले, रेडी हो जा। कल डैडी हॉस्पिटल में सर्फ मांगे थे तो मैं क्या कि जीरा खाली करके उनको सर्फ भर के दे दी उस डिब्बे में। अब जीरा रखने के लिए मेरे पास डिब्बा नहीं है, तब से ये प्लेट में पड़ा हुआ है। नमक सब्जी में हल्दी नहीं पड़ता है, नमक सब्जी ऐसे वाइट वाइट बनती है। इसको बनने दिया जाए, जा रहे हैं अब रोटी सेकने, आटा गूंथेंगे, रोटी बनाएंगे, मूंग का टिफिन रेडी करेंगे। थोड़ा सा चाय बनाना है, दो पराठा बनाना है, चाय पराठा खिला के आम रोटी दे के भेजेंगे। ये नमकीन पराठा का आटा है, सिर्फ दो लोई के लिए आटा गूंथे हैं, दो लोई का रोटी बनाएंगे, मोहन को खिलाएंगे। वीरू को चाय पराठा नहीं पसंद है। हाँ बेटा, सुसु पोटी करना है तो कर लो। मोहित का शर्ट बड़ा मस्त लग रहा है, एकदम मोहित कलरफुल दिख रहा है, इतनी गर्मी में भी कलरफुल ही कलरफुल, बात है चमकदार। ट्रैफिक जाम में जब खड़े होगे ना तो तुम ही तुम दिखोगे। पानी पिए हो बाबू, पी लो। नेनुआ सब्जी को ना इस तरह मीठा बनाते हैं फ्रेंड्स, नेनुआ जब पिघल जाए गल जाए तब उसमें प्याज डालिए, वो एकदम मीठा बनता है सब्जी। अब उसी के रस ये भी पी लेगा। मोही बाबू रेडी हो गया, ए मोही बाबू रेडी हो गया, बैग पैक करो बैग। उसमें एक हैंकी रख लो, हैंकी चेंज करो उसमें का, चम्मच चेंज करो, सॉक्स पहनो, जैकेट रुक जाओ जाते समय पहनना, गर्मी ज्यादा है, जैकेट को जाते समय पहनना। बीरू को भी जगा दो, कह तो चलना है ना डैडी के पास। मोही सुसु किए हो, पानी पिए हो, आओ पानी पी लो, गर्मी का दिन है, आओ जल्दी आओ। बीरू को भी जगा दो, कह तो जल्दी बीरू तैयार हो, डैडी के पास जाना है। कौन कौन जाएगा? हम और बीरू, तुमको स्कूल छोड़ देंगे और उधर से निकल जाएंगे। अरे यार तो इतना दूर फिर वापस आएंगे घर लौट के, इसलिए तो खाना बना रहे डैडी का भी। अच्छा अच्छा, तुम छुट्टी, डैडी आ जाएंगे एक दो दिन में, एक दो दिन में आ जाएंगे, आ जाएंगे, परेशान ना हो। पानी निकाल के पियो, बीरू को भी दो, खड़े करे पियोगे कोई बात नहीं, जो तुमको घूम है वही पियो। बीरू को भी कह दो बीरू उठो, मुझे डैडी के रास्ते से चलेंगे। नहीं तुम्हारा पहले पढ़ता है ना, तुम्हारा स्कूल पहले पढ़ता है, तुमको स्कूल छोड़ देंगे उसके बाद तब डैडी के चले जाएंगे। बीरू को जगाओ, बीरू को, बीरू को, बीरू, बीरू चलो डैडी के पास। हेलो पहिरी पालना चीते,
मोही बीरू को जगा रहा है, पानी पिलाएगा, उसको कहेगा ड्रेस चेंज करने के लिए। हाँ बोलो, बीरू बोली कि मेरे को जगाओ मत, छोड़ दो तब, कह दो तुमको छोड़ के हम लोग चले जाएंगे, तुमको छोड़ के हम लोग चले जाएंगे, बोली नहीं, जाने दो तब, सोने दो, हम हॉस्पिटल में ना खाना दे के आएंगे तब, खाना बनाने टाइम लगता है यार। अरे तभी नहीं, नेनुआ का सब्जी है, पराठा है, रोटी है, फिर चाय है, तो इतना आइटम दो चूल्हे बनाने में टाइम तो लगेगा ही, आँख में छींटा मार लो अगर कीचड़ है तो। इतनी गर्मी पड़ रही है यार, गजब की गर्मी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है गर्मी कब शांत होगी। चाय बनाएंगे, मोहित को चाय पराठा देंगे। बड़ा वाला कंघी कहाँ गया बाबू? तो फ्रेंड्स, बीरू चलेगी डैडी के पास और मोही स्कूल, मोही को स्कूल छोड़ के डैडी के पास निकल जाएंगे। डैडी का नेनुआ का सब्जी रोटी रेडी कर दी हूँ, डैडी नेनुआ का सब्जी रोटी नाश्ता करेंगे। थोड़ा इधर घूम बेटा, बीरू कुछ नहीं खाई, पराठा चाय खिला दे नहीं तो डैडी का नेनुआ सब्जी रोटी खा लोगी? मोही आप बाल झाड़ दें, देखे चेहरा देखे उधर आगे, हाँ चलो ठीक है शाबाश, आ फिर उधर जा, कान में नहीं लगा छोड़, हो गया चले, तेल लगाओगे कि छोड़ दे, बहुत गर्मी पड़ रहा है, चला जाए जल्दी जल्दी चला जाए, बाय बाय। हाँ बिल्कुल, बोल दो अब से नहीं करेंगे। लाडो आ गई, तुम्हारे अंडे को सुरक्षित रखने के लिए मैंने ये पर्दा लगा दिया ताकि कौवे न ले जाएं। अब तुम अंडा देके क्यों चली गई थी कल शाम को? तुमको अपने अंडे पर बैठना चाहिए था, उसको गर्माना चाहिए था, छोड़ के चली गई, कौवा खा जाता तो। अब अपने अंडे पर से हटना नहीं, अपने अंडे की रखवाली करो, नहीं तो फिर तुम जानना हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तुम्हारे अंडे की, समझी? और लड्डू से कह दो अपना खाना लेके आए तुमको खिलाए, हमारा दाना हम रख रहे हैं तो सब कबूतर खा ले रहे हैं, बड़े बड़े अटैक कर दे रहे तुम्हारे घोंसले पे, अब हम दाना भी नहीं रखेंगे, चाहे जैसे हो अपने बच्चे को पालो, अपने अंडे को सेवा करो, जाना नहीं यहाँ से नहीं तो पिट देंगे। हाँ कुकु 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 कुकु, बस कुकु कुकु करने आता है, ये नहीं कहती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बैठे रहो। क्या हुआ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, कुछ मिला है क्या? लड्डू बाहर क्यों है? मैं क्लास में छूट गया था। कब? बच्चे ने दिया छुट्टी में। हाँ। तुम्हारा छूट जाता है, तुम किसी और का लेके आते हो, आओ। नहीं ये मेरा ही है। आ जाओ बैग में डालो, पानी पियो, ये पकड़ निकाले बैग, अभी मम्मी पानी निकल रही है, आज लाना भूल गए तुम्हारे लिए कुछ भी, भुजिया लाना भूल गए, ये बहुत गर्म। अब तो क्या करे, अब यही है, थर्मस ले आए ना घर पे, थर्मस छूट गया, जिसमें कोल्ड वाटर रहता है वो थर्मस घर पे छूट गया, वो डैडी के पास ले गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से लाए तो धुले नहीं है, उसको धुलेंगे तब जाके लेंगे, है ना? कैसा हुआ आज का दिन पढ़ाई, खाना सब खत्म हुआ, क्या अच्छा है? उदय हुआ। किस चीज़ का? 10 से मेरे को 4 मार्क मिले। क्यों, किस सब्जेक्ट का था वही? अरे नहीं, नेहा अलार्म क्लॉक, वो कहता वो डिक्टेशन, नेहा अलार्म क्लॉक का ना? हाँ बहुत लंबे लंबे शब्द थे ना, तो इसीलिए 4 नंबर। यार फेल हो, फेल 10 में 4 नंबर, ओनली पास, ओनली पास। चलो कोई नहीं, पढ़ाई करो मन से, है ना, इधर उधर खेलो कम, उसको चिपकाया हूँ, पढ़ाई करो, अपनी किताब में देखना है। अच्छा ठीक है, पहले पी लो, और पी लो, धूप तेज है, पी लिया, इस पे थोड़ा सा गिरा लो क्योंकि घुटने पे जलन होता है। टिफिन में कुछ है बचा, खाओगे? मैं देख रही हूँ ये लोग इसको खराब कर देते हैं,
जाने दो, तुम मत बिगाड़ना। कुछ खाओगे? टिफिन में है? नहीं है कि नहीं है? स्मारक! नहीं है टिफिन में, नहीं टिफिन खा लिए चलते, तब जैसे कुछ केला खरीदेंगे रास्ते में इनके लिए। स्मारक! ये दर्द करता है ना, भूख लगता है तो छनछनाता है, पैर छनछनाता है, घुटना छनछनाता है, मजा आता है ना धूप में। चलो भैया, आ हा हा, पंखा चलाओ, आ हा हा, आ हा हा, हवा खाओ। क्या बात है, लड्डू। फ्रेंड्स, एक बहुत ही खुशखबरी है, लाडो अंडा दी है और उसको गर्मा रही है बैठ के। ये लड्डू है, सुबह से गर्मा रही है। इसके पीछे कौवे लगे हैं, कबूतर लगे हैं। इधर हम पर्दा लगाए हैं, ढक के रखे हैं पूरा, ताकि पर्दे की आड़ में उसको पछुआ हवा ना लगे और कोई देखे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और लड्डू की जो एग है वो बचा रहा है सही सलामत, भगवान करे बस उसमें से निकल जाए लालू पीलू। गर्म कर रही है उसको, एक तिनका बाहर आ गया है ना, लटक रहा है उसका तिनका। बहुत ज्यादा ही लंबा, कुछ ज्यादा ही लंबा तिनका लेते आई है। ये नया तिनका है, कैसे? इसके पहले नहीं था ये वाला तिनका, यही उठा के लाई होगी कहीं से लड्डू। ये पगलेट है, जब मर्जी तब घोंसला बनाती रहती है। अंडा दे दी उसके बाद भी घोंसला बना रहा है इसका। कलयुग है, कलयुग। कीड़े लग गए तो नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इस बार हम ना कपड़ा फैलाया है इसके अंदर घोंसले में, और ना ही आर्टिफिशियल कुछ रखा है। वो खुद का अपने मेहनत से घोंसला बनाई है। जो भी मैंने ना कपड़ा रखा ना कुछ रखा, पिछली बार जब तो लालू पीलू एक्सपायर कर गए थे ना मेरे घोंसले को सजाने की वजह से, इस बार मैं टच ही नहीं करूँगी। ऐसे ही लड्डू बैठी रहेगी उस पर, अपना गर्माएगी, अंडा फोड़ेगी, उसमें से चूजे निकालेगी। मैं कुछ नहीं करूँगी इसमें, जब तक मर्जी है तब तक बैठे, मैं छेड़ूंगी ही नहीं उसको। बस वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी। उसमें अनाज रखे हैं, चावल रखे हैं, नहीं खा रही है, मत खाओ, ज्यादा मोटा गई है ना, मत खाओ। अब बाजरा जिस दिन खरीद के लाएंगे तब रखेंगे बाजरा, अभी चावल था चावल रख दिए। लड्डू बाय, हम जा रहे हैं वीरू को खाना खिलाने। बाय बाय। फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद छत पे आए, एक तो फुर्सत नहीं मिलती थी और दूसरी इतनी तेज धूप रहती थी। आज जाके भगवान थोड़ा खुश हुए हैं। और ये मेरे पीछे जो दक्षिण साइड है उस साइड में थोड़ा सा क्लाउड्स लगा है, जैसा लगता है कि अब दो चार दिनों में आएगा आंधी पानी, थोड़ी तसल्ली मिलेगी धूप से। और इधर तो बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप, एकदम हीट। काफ़ी दिनों बाद आए छत पे, बड़ा सुकून मिल रहा है। सामने का बादल देखे ना लगा, अरे वाह आंधी पानी आने वाला है। चलो भागो छत पे, ये भाग चलो। जितनी गर्मी पड़ रही है ना उतना ही सहेली इसमें जैकेट पहनी है, वूलन जैकेट पहनी है। और हल्की फुल्की है फ्रेंड्स, आंधी पानी तो नहीं आएगा, बस थोड़ा सा गर्मी से आराम मिला है। सूरज ढक गया है, बाकी बादल ही बादल है। थोड़े से पक्षी भी आराम पा गए, तुरंत आसमान में ज्यादा ज्यादा उड़ने लगे। काफी दिनों से हम लोग छत पे नहीं आए थे। यहाँ वीरू बच्चे सब खेल रहे हैं। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। मुझे वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है कि बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं आई लिखवाया, अच्छी लगती है। जल नीर, कोई मिस्टेक, नदी सही है। क्या है, लरंगड़ी है कि तरंगड़ी है? तरंगड़ी होता है, मैंने लरंगड़ी लिखवाया, गलत है। सूरज बाल केश पंख पर, चलो ठीक है रख दो, दूसरा सब्जेक्ट निकालो।